क्यों चमक रहा है? इस लड़के के ऊपर मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? चांद की रोशनी की वजह से। तारे गले में जो तारी माँ को लॉकेट है, किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। राधेश्याम जी सही टाइम पे पानी ले आए, इसकी बहुत जरूरत थी। ये वैद्य के साथ मिलकर दिया जो भी खिचड़ी पका रही थी ना, अब वो गल नहीं पाएगी। नमस्कार, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम समय समय पे क्लिप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो जल्द ही आपके फेवरेट शो सुहागन चुड़ैल की क्लिप आई है। इसको लेकर आप भी शायद एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर, तो कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि आप कितना एक्साइटेड हैं। तो चलिए, ये सब बातों को हटाते हुए हम बात करते हैं क्या इस क्लिप के बारे में। तो देखिए, जो क्लिप आई है इसमें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग होती है किससे, दिया और किससे होती है, जो निया शर्मा का रोल है ना चुड़ैल वाला, उससे। क्या नाम है उनका आपको पता होगा, निशिगंधा। तो इस क्लिप की शुरुआत निशिगंधा दिया से होती है। आपको पता है, हमने पहले वाले क्लिप्स में आपको बताया था क्या होता है, एक वैद्य जी जो होते वो उनको दिया को एक इतनी बड़ी शीशी देती है, जिससे कहते कि अगर आप इस शीशी को, मतलब जो मोक्ष है उनको सुंगा दोगे तो उससे जितना भी अगर काला साया होगा वो उतर जाएगा। तो वही शीशी उनके हाथ में होती है, तो निशिगंधा नोटिस कर लेती है ये चीज को कि कुछ तो खिचड़ी पकाई है इनने वैद्य जी के साथ मिलके। तो वो क्या करती है कि उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है अपनी काली शक्तियों से, लेकिन वो दिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाती। इसका रीजन ये है, जो दिया की माँ है उनका एक लॉकेट था, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो जो दिया है ना, वो दिया का सुरक्षा कवच बनकर उनकी हेल्प कर रहा है और उनकी सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है। मींस उनका कवच है वो, सुरक्षा उनकी मेंटेन पूरी किए हुए है वो कब। तो क्या होता है, जब भी ये जो लॉकेट है इसमें ऐसी चीज होती है कि जब भी अगर कोई बुरी शक्ति अटैक करेगी तो ये लॉकेट जो है अपने आप चमकेगा। तो जब ये चमकने लगता है तो जो दिया है, दिया क्या बोलती, कंफ्यूज हो जाती, बोलती है मेरा लॉकेट अचानक क्यों चमक रहा है। फिर वो बाहर चंदा की रोशनी देखती है और उसके पहले वो एनालाइज करती है कि उनके जो शायद फायदर थे जो मतलब गिर रहे थे, तो उनने ये कहा था कि अपनी माँ का लॉकेट किसी को दिखाना नहीं। तो वो लॉकेट को वो अंदर कर लेती है और ये एनालाइज करती है कि जो काल, मतलब कि चांद की वजह से ये चमक रहा है, वो ये सोचती है। इसके बाद क्या होता है, जो निशिगंधा होती है ना, वो अटैक करने की कोशिश करती है ना दिया पे, लेकिन वो कर नहीं पाती। इसके बाद क्या होता है, तो वो ये बोलती है कि अच्छा, दिया के ऊपर ये नहीं असर हुआ तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है कि जो एक वेटर होता है वो क्या करता है, पानी रख रहा होता है, तो उसमें वो अपने मेहंदी जैसा उनके हाथों से निकलता है, मेहंदी की शक्ति से वो क्या करती है, उसमें जहर घोल देती है और वेटर के ऊपर भी एक वशीकरण कर देती है, जिससे कि वो पानी लेके दिया के पास जाए। जब वो वेटर पानी लेके दिया के पास जाते हैं तो क्या करती है, दिया उसको पी लेती है, बोलती है मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी काका, आप ठीक समय पे आए हैं। तो अब देखना यह होगा कि वाकई में निशिगंधा की ये काली शक्ति का कुछ असर होता है दिया पे या नहीं होता, ये बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। और जो दिया है वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि उनकी शक्ति का आखिरकार क्या यूज होता है, क्या यूटिलाइज होता है, कि मतलब उनको क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखना होगा। तो इस पे क्या होता है, जो निशिगंधा वो होती है वो बोलती है वैद्य के साथ बहुत मिलके खिचड़ी पका रही थी ना ये दिया, इसको मैंने मजा चका दिया। तो आपको कैसा लगा ये क्लिप के बारे में जान के, वो कमेंट सेशन में बताएं। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।